आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी व्याकरण की किताब में पाठ सात। पाठ सात हमारा क्या है? कहानी पठन। कहानी पठन में स्टोरी रीडिंग, ठीक है। आज हम कहानी में क्या पढ़ने वाले हैं? समझदार बकरियां, ठीक है। आप ये कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 61 है। आप पेज नंबर 61 ओपन कीजिए और पढ़ते हैं आज हम समझदार बकरियां, ठीक है। चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या है। गांव के किनारे एक नाला बहता था। बरसात के दिनों में नाले में पानी अधिक होता था। एक गांव था, उसके किनारे क्या था बेटा? एक नाला बहता था। अब बरसात के दिनों में नाले में पानी अधिक होता था। आप देखे होंगे, आप जब खूब तेज बारिश होती है तो आपके घर के आसपास नाली या सामने की गली में खूब पानी भर जाता है ना, वैसे बरसात के दिनों में नाले में पानी अधिक होता था। अगर उसमें कोई गिर जाता था तो मिनटों में कहीं का कहीं पहुंच जाता था। यदि उस नाले में कोई भी जानवर हो, व्यक्ति कोई भी गिर जाता तो मिनटों में पानी का इतना बहाव रहता, पानी इतना तेज बहता रहता था कि वो कहीं का कहीं पहुंच जाता था। लोगों ने नाले के आर पार जाने के लिए एक पेड़ का मोटा तना डाल रखा था। वहाँ के जो गांव के बहुत सारे लोग थे, उन्होंने क्या काम किए? नाले के आर पार जाने के लिए, मतलब एक इस पार से उस पार जाने के, देखिए जैसे चित्र में दिख रहा है, ये नाला है और इस पार से लेके उस पार तक जाने के लिए, देखिए चित्र में, देखिए बेटा दिखाई दे रहा है आपको, ये गांव है, गांव में बीच में नाला बहता हुआ है, तो इस पार से उस पार जाने के लिए लोगों को क्या करना पड़ता था? बहुत परेशानी उठाना पड़ता था। इसलिए वो लोग ने क्या किए, एक पेड़ का मोटा ये जो तना है, तना को कहाँ पे डाल दिया? उस नाले के बीचों बीच डाल दिए। ये देखिए, इस पेड़ पर केवल एक व्यक्ति या जानवर ही एक बार में पार हो सकता था। अब इस वो जो पेड़ का जो तना है, खूब ज़्यादा चौड़ा नहीं था, पतला ही था, तो उसमें क्या करते थे, जो एक व्यक्ति या एक जानवर जिसको पार करना, एक ही जा सकते थे, उस पर दो लोग नहीं आना जाना कर सकते थे, ठीक है। जब भी कोई दूसरा व्यक्ति आता था तो वह दूसरी तरफ खड़ा हो जाता था, ठीक है। अभी अब हम आगे देखते हैं, आगे इसकी स्टोरी में और क्या दिया हुआ है बेटा। एक बार दो बकरियां आमने सामने से उस पेड़ पर आ गई। देखिए आपके चित्र में दिखाई दे रहा है, एक बार दो बकरियां आमने सामने से उस पेड़ पर आ गई। बकरियां समझदार थी, वे आपस में लड़ी झगड़ी नहीं। कुछ देर तक वे दोनों खड़ी रही और कुछ सोचती रही। अब वो लोग तो फंस गए, दो लोग कैसे जाते, यदि दो लोग आसपास से जाते तो दोनों के दोनों उस नाले में गिर जाते पानी में। तब वो लोगों ने वहीं पर खड़े रहे और खड़े खड़े कुछ तरकीब सोची कि अब क्या कर सकते हैं। फिर एक बकरी नीचे बैठ गई और दूसरी बकरी उसके ऊपर से निकलकर पार चली गई। देखिए एक बकरी नीचे बैठ गई है, फिर दूसरी बकरी उसके ऊपर से चढ़ के फिर वो पार चली गई। तब पहली बकरी भी उठकर नाले के पार चली गई, ठीक है। इस तरह दोनों बकरियों ने नाला पार कर लिया। ये कहानी समझ में आई बेटा आपको? इस कहानी में क्या है, हमें हर काम समझदारी और सूझबूझ से करना है, ना कि लड़ाई झगड़ा करना है। चलिए अब देखते हैं, इसमें कुछ छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर हैं, उसको लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला है, नाला कहाँ बहता था? नाला कहाँ बहता था? देखिए, गांव के किनारे एक नाला बहता था। आपके बुक में ही उत्तर दिया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा है, बकरियाँ कैसी थी? बकरियाँ कैसी थी? बकरियाँ समझदार थी। बकरियों ने नाला पार कैसे किया? बकरियों ने नाला पार कैसे किया? आप लोगों को पता है कि एक बकरी बैठ गई और दूसरी बकरी उसके ऊपर से निकल कर चली गई, ठीक है। ये बुक वर्क है, बुक वर्क मैं फिर से आप लोग को इसका पिक्चर पेस्ट करूंगी, भेजूंगी, फिर आप बुक वर्क करेंगे, ओके। देखिए बच्चों, अभी ये जो बुक वर्क है इसको फिर से एक बार देख लीजिए। नाला कहाँ बहता था? नाला गांव के किनारे बहता था। बकरियां कैसी थीं? बकरियां समझदार थीं। एक
एक बकरी नीचे बैठ गई और दूसरी बकरी उसके ऊपर से निकल गई। तब पहली बकरी भी उठकर नाले के पार चली गई। इस तरीके से वो लोगों ने क्या किए, नाला पार किए। ये बुक में ही बुक वर्क करना है बेटा। ये जो लास्ट वाला तीसरा प्रश्न है, इसका लंबा थोड़ा आंसर है, इसको आप अपनी बुक में ही लाइन पे बुक के नीचे जो जगह छूटी है इसी में ही आपको कंप्लीट करना है। ओके।